नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं जिन्होंने पूरे देश का, भारत का नाम रोशन किया है। आपने सुना ही होगा कि आप जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी के साथ काफी आगे बढ़ रही है, कदम से कदम मिला रही है। साथ ही साथ जो हमारी डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो भी काफी बढ़ चुकी है। और ऐसे में हर क्षेत्र के अंदर आप सुनते होंगे कि ऑटोमेटिक मोबाइल आ गए, ऑटोमेटिक एसी हो गया, ऑटोमेटिक आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने कार को ऑटोमेटिक कीज की वजह से चला सकते हैं। और इसी के साथ हमारे एक किसान भाई ने भी एक ऐसा कमाल करके दिखा दिया है। उन्होंने बनाया है एक ऑटोमेटिक ट्रैक्टर जो रिमोट की मदद से चलता है। तो योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। तो योगेश जी, आपको इसका आइडिया कैसे आया? एक्चुअली हुआ क्या, एक दिन मैं ट्रैक्टर लेके खेतों पे गया हुआ था और मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि टेक्निकली जो आजकल कुछ नई चीजें प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं, तो ऐसे मुझे कुछ नजर आया। तब एक ही साइड में लिंक आया था कि फॉरेन कंट्रीज में ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के चल रहे हैं। तब मुझे अजीब लगा, तो मैंने भी सोचा कि हम भी कर सकते हैं इंडिया में। तो अभी जो मैं ट्रैक्टर ड्राइव कर रहा हूँ तो ये बिना ड्राइवर के चलेगा। तो मैंने पता किया, 2-3 दिन तक मैंने इंडिया में बहुत से ऐसे मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी थी कि ट्रैक्टर ऐसे मिल सकते हैं, बट इंडिया में पॉसिबल नहीं था ये, और काफी कॉस्टली था। तो इंडियन मार्केट इनको सपोर्ट भी नहीं करता, कस्टमर ले भी नहीं सकते, किसान इतना बजट नहीं होता कि इतनी महंगी प्रोडक्ट या चीजें ले सके। तो मैंने सोचा कि हम खुद यहाँ पे बना लेते हैं इन चीजों को। तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट मैंने पापा से बोला घर पे आते ही कि पापा मैं एक ड्राइवलेस ट्रैक्टर बना सकता हूँ जिसमें ना तो मैं चलाऊंगा ना आप चलाओगे, ट्रैक्टर खुद खेतों का काम करेगा। तो पापा को तो ये एक मतलब अजीब सी बात लगी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं अब तक, तो ना ही किसी ने किया है, और ट्रैक्टर पे बैठेंगे तभी तो चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा ट्रैक्टर। तो फर्स्ट टाइम की पापा को तो बिलीव नहीं था, बट मुझे बिलीव था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने पापा से कहा था कि पापा आप मुझे केवल 2,000 रुपये देना, उस 2,000 में मैं कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगा मार्केट से जिनको मॉडिफाई करके ट्रैक्टर में अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगा, और जिससे क्या है ना, ट्रैक्टर आगे और पीछे मूव करेगा बिना ड्राइवर के, तब आपको बिलीव होगा। तो पापा ने इजीली मुझे दे भी दिए 2,000 रुपये, और मैं 7-8 दिन की मेहनत लगी थी मेरी, और 2,000 रुपये में कुछ पार्ट्स लेके आया मार्केट से जो अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज आने वाले पार्ट्स हैं। तो उनको कुछ चेंजेस किया मैंने, कुछ अपने अकॉर्डिंग डिजाइन पैटर्न्स तैयार कर रखे थे उस हिसाब से मैंने उनको बनाया। वो बनाने के बाद मैंने 7-8 दिन की मेहनत लगाई, उसके बाद ट्रैक्टर रेडी हो गया। मैंने पापा को दिखाया कि देखो ये ट्रैक्टर आगे और पीछे चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम तो पापा को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के अपने आप कैसे चल पा रहा है। एंड जो पापा के दोस्त साथी थे उनके साथ काम करते थे, तो उन्होंने भी देखा, ये देखने बाद वो भी मतलब एक आश्चर्य में पड़ गए कि यार बिना ड्राइवर के चल रहा है, ऑटोमेटिकली आगे और पीछे मूव कर रहा है। तब पापा को उनके दोस्तों ने कहा कि इसको जितने पैसे चाहिए या जो चीजें चाहिए वो लाके दो, ये कुछ और आगे भी कर सकता है और इस प्रोजेक्ट को आगे भी ले जा सकता है। तब मैंने पापा से पैसे मांगे थे थोड़े बहुत, 50,000 रुपये के समथिंग उनसे पैसे लिए थे। तो पापा के पास उस समय नहीं थे, तो उनके दोस्तों ने, इन्होंने सबने अरेंज करके मुझे 50,000 रुपये करवा दिए कहीं से। और फिर 50,000 से मैं कुछ जैसे 2,000 से लेके आया पार्ट्स, ऐसे कुछ पार्ट्स में 50,000 से भी लेके आया था, और पार्ट्स को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करते करते मुझे लगभग 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने बाद मैंने अपने ट्रैक्टर को इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि जो भी कमांड हम घर बैठे बैठे देंगे खेतों में वो कमांड पूरी होगी, ट्रैक्टर अपने आप मूव करके खेतों पे जाएगा, वहां पे पूरा काम करेगा, इम्प्लीमेंट जो होते हैं औजार होते हैं ट्रैक्टर में वो कैसे वर्क करते हैं, कितनी डेप्थ में उनको वर्किंग करना है, क्या पोजिशन उनकी होनी चाहिए, ट्रैक्टर कितनी स्पीड पे चलना चाहिए। तो एक जो बोलते हैं ना, आदमी में दिमाग होता है, तो सेम वही दिमाग मैंने 6 महीने की मेहनत से ट्रैक्टर में बनाया था, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो आजकल मॉडर्न एज की जरूरत बन गई है। तो वही ब्रेन हमने, आर्टिफिशियल ब्रेन मैंने बना के ट्रैक्टर में लगा दिया। वो लगाने के बाद अगर हम कुछ कमांड नहीं दे पाते हैं, या बाय द वे कोई फॉल्ट की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारा कंट्रोल, तो इस वजह से क्या है ना, ट्रैक्टर खुद सेल्फ कमांड लेने की वो रखता है क्षमता कि कहाँ पे उसे ब्रेक लगाने, कितना मूवमेंट उसे करना है, कितना डिग्री एंगल पे उसे घूमना है।
तो अब होता क्या था, खेती वही पापा ही करते थे, लेकिन करते क्या थे, एक पेड़ की छांव में बैठ जाते थे कि ट्रैक्टर को आराम से लेके जाते खेत पे, वहां पे उतर के ट्रैक्टर से नीचे रिमोट अपने हाथ में लेके पेड़ की छांव में बैठते थे और बैठ के उसको कमांड दिया करते थे रिमोट से। तो ट्रैक्टर ऐसे वर्क करता रहता था, पापा को लगता था कि मुझे जाना जरूरी नहीं है, तो वो घर पे बैठ जाते थे आराम से चेयर पे और ट्रैक्टर को कमांड देते, ट्रैक्टर अपना काम करता रहता था। तो ऐसे पापा खेती किया करते थे। और एक्चुअली हुआ क्या, जो 6 महीने बाद मैंने जस्ट ट्रैक्टर रेडी किया था, तो इसका हम क्या था डेमोन्स्ट्रेशन घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैक्टर एक बहुत भारी चीज होती है और इसे जगह की जरूरत होती है। तो मैं जैसे ही इसको ड्राइवलेस मोड में चला के लेके जा रहा था, यानी कि मैं नहीं बैठा हुआ था, ट्रैक्टर अपने आप खुद चल रहा था। तो रोड पे जैसे ही चल रहा था तो लोगों को लगा कि यार ये क्या हो गया, ट्रैक्टर अपने आप ही, मतलब कि कोई बैठा भी नहीं है ना, तो कोई इसके आसपास है और न जाने क्या हो रहा है। पता नहीं, कुछ 6 महीने पहले तो एक ने वो ट्रैक्टर चलाया था, आज ये ट्रैक्टर अपने आप ही चल रहा है, सारे काम कर रहा है, और जो आगे ट्रैफिक आते हैं तो उनको लेफ्ट राइट साइड भी दे रहा है, सब काम कर रहा है। और यहाँ तक अगर कोई सामने से हटता नहीं था तो उसको हॉर्न भी बजा के हटाता था, ट्रैक्टर सेल्फ ये अपने आप काम करता था ये सब। तो लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ही अजीब है, बहुत तरीके की चीजें आ चुकी है। हालांकि कोई विश्वास नहीं करता था, बट 6 महीने तक जो मैं काम करता था ना, तो पापा कहते कि मेरा लड़का एक ऐसी चीजें तैयार कर रहा है जिससे मुझे अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पापा का क्या था, बहुत से लोग थे जो गांव में होते, हालांकि कुछ जो निराश मतलब निराशा पैदा करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते। तो कुछ ऐसे लोग थे तो पापा को बोला करते थे कुछ नहीं कर रहा, कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे पैसे वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई छोड़ के ये करने लग गया वो करने लग गया। तो मतलब वो 6 महीने के बाद जब ट्रैक्टर चलाना, तब उसका रिजल्ट देख के लोगों को लगा कि वाकई में कुछ किया है इसने। तो लोग अपना वीडियो बनाने लग गए और दिखाने लग गए, देखो हमारे गांव में कैसे ट्रैक्टर चल रहा है। तो ये सब करते करते वायरल हो गया। तो जो आइडिया था ना, वो पापा की वजह से आया था मुझे। हालांकि ये आइडिया आना और ना आना, ये तो चलो एक नेचुरल थी, बट हमें सोचना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हम हर फील्ड में लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमारी जो फार्मिंग है, खेती है, वो अभी पिछड़ी हुई है। क्योंकि खेती में हम जितना यूज देखते हैं ना दैनिक जीवन में, उतना यूज हम खेती में टेक्नोलॉजी का करते नहीं है। जो ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत तरीका है, उसको अभी भी ज्यादा महत्व देते हैं। हालांकि हमें बदलना चाहिए समय के साथ साथ, ऐसा नहीं कि पुराना तरीका हम छोड़ दें, नहीं छोड़ो मत, लेकिन धीरे धीरे जो अभी मॉडर्न एज है उसको भी साथ में लेके चलेंगे ना, तो उससे क्या है ना, खेती एक मुनाफे का फायदा, मतलब मुनाफा देगी हमें, फायदा देगी। ऐसा नहीं कि घाटे का सौदा हमें नजर आती है, तो घाटे का सौदा नहीं है, हमें समय के साथ बदलना होगा। खेती अच्छा मतलब अपना रुख बदलेगी, जैसे मौसम परिवर्तन हो रहे हैं तो हम वही पुराने तरीकों के साथ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, हमें भी बदलना होगा, तब जाके खेती एक अच्छा रिजल्ट दे पाती है। तो थोड़ा सा प्रयास मैंने भी किया था कि खेती को एक नई राह पे घुमाते हैं, तो वो सफल भी रहा और काफी हद तक सफल भी रहा। और पापा के बहुत सी चीजें थी जो कर नहीं पाते थे, तो वो आराम से कर लेते हैं। तो ये था मेरा। जी, और योगेश जी जैसे लोगों की वजह से ही खेती किसानी की गौरव गाथा एक्सप्लेन होता है और पता लगता है कि ऐसे लोग जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है तब तक कुछ ना कुछ इनोवेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होता रहेगा। और आप इस वीडियो को अभी और बात करते हैं हम योगेश जी से, तब तक इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। योगेश जी, लगातार आपने जो अभी अपनी कहानी बताई उसमें हम जी एक चीज बार बार सुन रहे थे कि आपके पापा, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पापा काफी अहम रोल प्ले करते हैं जो इस इनोवेशन के पीछे। जी तो आपने ये ट्रैक्टर जो इन्वेंट किया है वो अपने पापा के लिए किया है या फिर अभी आप इसको एक मार्केटिंग तौर से भी देख रहे हैं? एक्चुअली क्या थी, अभी थी ये प्रॉब्लम मेरे पापा की, लेकिन जैसे मैंने ये बनाया तो मुझे ये प्रॉब्लम हर किसी के पापा की नजर आ रही है। अभी जो खेती करते हैं वो हर किसी के पापा यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी कि यहाँ तक कि पापा के जो दोस्त हैं वो भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हालांकि मुझे लगा और मेरे पास थोड़ा सा जो मैंने स्टडी की थी तो उसकी नॉलेज थी, तो उसको मैंने यूज किया, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने अपने पापा की प्रॉब्लम सोल्व की है तो मुझे हर किसान की करनी चाहिए, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है, ये चल रहा है तो ही देश चल रहा है, हर किसी के पेट की भूख मिट रही है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसान की प्रॉब्लम सोल्व की जाए। तो इसके लिए क्या है ना, मैंने सोचा है कि जो ट्रैक्टर मैंने बनाया है तो इसको एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है
और ये सा डेवलप करना कि जैसे आज पापा की प्रॉब्लम दूर हुई तो हर किसान भाई की हो, और हो सकता है कि मेरे पापा ने तो फिर कम प्रॉब्लम फेस की है, इससे भी कई गुना ज्यादा जो किसान है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि दिन रात ट्रैक्टर चलाते हैं कई किसान, तो मैंने उनसे बात की आप रात में भी क्यों चलाते हैं, दिन में चला लिया कीजिए, तो बताते हैं कि भैया हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हमें चलाना पड़ता है, दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा समाधान हो जिससे हमें थोड़ा सा आराम मिल जाए तो हम नहीं चलाएंगे। तो मुझे लगा कि मेरा ट्रैक्टर यहाँ पे भी काम कर सकता है, जो ड्राइवलेस मोड है वो यहाँ पे भी काम कर सकता है, कि किसान दिन भर काम करना चाहे तो काम कर ले, या फिर अपने घर पे बैठ के ड्राइवलेस मोड में अपने आप चला ले, तो इससे काफी प्रॉब्लम उसकी हल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रैक्टर मैंने मेरे पापा के लिए बनाया वो अभी सीमित नहीं है। वो क्या है ना, एक चीज बना के नहीं रखना, वो बनाना है मुझे पूरे देश के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम हर किसी की सोल्व हो। जी योगेश जी, ये बताइए कि आपने बात करी ट्रैक्टर की, इनोवेशन की बात करी, पर हम जब भी देखते हैं कि अगर एक चीज जो मैनमेड है या हाथों से चलाने वाली चीज है उसका हमेशा प्राइस बहुत कम रहता है, और वही चीज जब ऑटोमेटिक हो जाती है तो उसका जो प्राइस है वो आसमान छू जाता है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि 50,000 के आपने अभी तक लागत जितनी लगाई है वो काफी कम है, तो किस नजरिए से देखते हैं कि आने वाले भविष्य में आपकी ये जो टेक्निक है ये कितनी चल पाएगी? एक्चुअली क्या है, ये सही बात है कि किसान के पास पहले व्यवस्था होती है वो होती है बजट की, कि किसान के अगर बजट में आता है तो वो हर चीज खरीद लेता है और उसमें मतलब उसका फायदा भी उठाना चाहता है। रही ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, देखिए मॉडर्न एज के हिसाब से चीजें ज्यादातर ऑटोमेशन होती जा रही है, लेकिन दिक्कत ये भी हो रही है कि उनकी लागत बनाना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से उनका बजट भी बहुत भारी हो जाता है, और फाइनली जब मार्केट में आती है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो लेना थोड़ा भारी पड़ जाता है। इस वजह से क्या था, मैंने एक्चुअली ये एक किट टॉय टाइप में लॉन्च की है, जैसे मैंने अपने ट्रैक्टर में किया, मैंने अपना ट्रैक्टर न बदल कर मैंने केवल एक किट तैयार की है, जैसे कि अगर कोई किसान है अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसको उसका पुराना ट्रैक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो नया ट्रैक्टर परचेज करेगा तभी वो टेक्नोलॉजी काम करेगी, नहीं, एक्चुअली क्या है वो किट परचेज करेगा, उसको असेंबल करेगा, असेंबल करने के बाद वही उसका पुराना ट्रैक्टर उसमें वर्क करेगा। अब रही बात बजट की, तो किसान जब सोचता है, जब उसको पुराना ट्रैक्टर रिप्लेस करना पड़ता है एक नए में, अब नया बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो इस वजह से उसको सोचना पड़ता है, कई लाखों रुपए के ट्रैक्टर आते हैं तो वो एक्चुअली एक भारी कॉस्ट हो जाती है, जिसको किसान कभी पॉसिबल नहीं समझता कि इसको करना चाहिए हमें, तो इसलिए हमने मैंने किया था एक किट टाइप में। अब वो लगभग अभी उसको फाइनल रूप दें या कुछ उसमें सुधार भी करें तो लगभग लगभग 60 से 70 हजार रुपये में आसानी से किट अवेलेबल हो जाएगी। अब जब ट्रैक्टर की लाखों रुपए की तुलना हम 60-70 हजार रुपए से करते हैं ना, तो किसान बोलते हैं कि हमें ये आराम से ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 1 लाख रुपए तक भी मिलता है तब भी हम इसको इजीली परचेज कर लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेते हैं उससे बेस्ट है कि 1 लाख रुपए का किट लेंगे और अपने पुराने ट्रैक्टर में लगाएंगे, तो अपना वही पुराना फिर से काम करेगा और मॉडर्न एज के हिसाब से हो जाएंगे। तो किसानों का ये कहना है कि इसकी कॉस्ट उनके अकॉर्डिंग सही है, तो इसलिए हमने उस हिसाब से इसको डिजाइन किया है। जी योगेश जी, जो आपने किट बनाई है क्या इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये डिफरेंट ब्रांड्स के ट्रैक्टर में आसानी से फिट हो सकता है, यानी कि महिंद्रा के ट्रैक्टर में भी ये लग जाए, जॉनडियर के ट्रैक्टरों में भी ये लग जाए, और बाकी जो ब्रांड है कंपनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है उनके ट्रैक्टरों में भी ये फिट हो सके? एक्चुअली क्या था, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो मेरा प्रोडक्ट था, जो मेरा ट्रैक्टर था वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का था, देन ये सबके पास किसानों के पास सवाल होता है कि भाई आपका महिंद्रा था इसलिए लग गया, अगर मेरे पास सोनालिका या कोई जॉनडियर है या टेप है अदर कंपनी का कोई प्रोडक्ट है ट्रैक्टर है तो उसमें लग पाएगा नहीं लग पाएगा। तो इसी का सॉल्यूशन निकालने के बाद जब मेरा ट्रायल डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तब मैंने जितने भी डिफरेंट टाइप के अपने इंडिया में ट्रैक्टर अवेलेबल है, यानी कि जरूरी नहीं वो मैन्युफैक्चरर इंडिया के ही हो, अब बाहर के फॉरेन कंट्रीज के भी जो ट्रैक्टर आते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में जो किसान भाई यूज करते हैं, उन सब में हमने इस चीज को लगा के देखा और चेक किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, जैसे ही मेरा ट्रैक्टर वर्क कर रहा था सेम एज इट इज ऐसा कैसा एक्यूरेट वो काम करता है,
हाँ, जरूरी नहीं है कि इसमें आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही ट्रैक्टर लेना पड़ेगा या उसी पे काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। किसान भाई पे कोई सी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो उस पे आराम से ये किट इंस्टॉल हो जाएगा और वही काम करेगा जो एक ड्राइवर करता है, क्योंकि जो कमांड केवल रिमूव इतना सा चीज हुआ है कि जो हम पहले ट्रैक्टर पे बैठा करते थे, अब वो ट्रैक्टर पे नहीं बैठना होगा हमें। वो एक तो या तो पेड़ की छांव में बैठ सकते हैं या घर पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं, बस इतना सा अंतर है। इसमें ये जरूरी नहीं कि आपको ट्रैक्टर कंपनी स्पेशल का ही लेना पड़ेगा कि महिंद्रा का ही लें या फिर मैसिकल लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। किसान भाई के पास अगर पुराना है कोई से भी कंपनी का है तो भी वो आराम से वर्क करेगा। जी योगी जी, ये बताइए कि आप, जैसे देखा होगा आपने कि राजस्थान की मिट्टी अलग है और अगर आप किसी और स्टेट में जाएंगे तो वहां की मिट्टी अलग है। कहीं बालू होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं दोमट होती है। तो क्या ये जो किट है आपकी, ये हर मिट्टी में, क्योंकि अगर ड्राइवर है तो उसे पता है कि किस तरीके की मिट्टी में कितनी ताकत चाहिए, कितना आरपीएम सेट करना है, तो क्या ये किट सक्सेसफुल है कि हर तरीके की मिट्टी में ये एडजस्ट कर सके ट्रैक्टर को? एक्चुअली क्या था, जो हमने ये किट बनाया था, इस किट में एक्चुअली हमने ये प्रोग्रामिंग सेट किया हुआ है कि जैसे आप जैसे स्टेट पार करते हैं या फिर आपका जो खेत है वो अलग अलग मिट्टी का है या बालू है या रेतीला है, जैसा भी रहेगा आपको केवल ट्रैक्टर पे सेट करना है एक बारी। आपको वो किट में बुकलेट होती है छोटी सी, उसमें लिखा होता है कैसे क्या सेट करना होता है, तो सेम एज इट इज वैसे सेट करना है, कौन सी मिट्टी के लिए कौन सा और कितना आरपीएम सेट करना है, तो वो सब कुछ उस पे होता है। आपको एक बार सेट करने के बाद आप हमेशा के लिए उसको वैसे चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे कि अभी मेरा ट्रैक्टर है यहाँ पे काली मिट्टी है, काली मिट्टी के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखा है, अब मैं कहीं बाहर जाता हूँ वहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है तो मैं तुरंत अपनी प्रोग्रामिंग सेट कर लेता हूँ। वॉल्यूम कंट्रोल की तरह बटन होते हैं उसमें रिमोट में, तो वही सेट करने होते हैं हमें। किसान भाई सभी जानते कि कितने आरपीएम पे कितना ट्रैक्टर चलाना होता है, तो तुरंत उसको सेट कर लेते हैं, तो उसमें सारी ये प्रोग्रामिंग होती है कि ड्राइवर या किसान अपने अकॉर्डिंग उसको पूरा मॉडिफिकेशन कर सकता जी है। योगेश जी, ये बताइए कि जैसे कि आपने अभी जो आपका ट्रैक्टर है, ठीक है, जी एक कहते हैं ना कि एक ड्राइवर किस तरीके से अपना ट्रैक्टर चलाता है उस पे ट्रैक्टर की लाइफ डिपेंड होती है कि वो 10 साल चल बिल्कुल पाएगा या 15 साल चल पाएगा। तो जी, आपकी जो ये किट है, क्या इससे ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ेगी या फिर उतनी ही रहेगी या और एक्चुअली कम हो हमने जाएगी? एक्चुअली क्या है, ये हमने भी चेक करके देखा था कि क्योंकि इतना महंगा ट्रैक्टर होता है, अगर इसकी लाइफ घट जाती है तो किसान के लिए ये एक घाटे का सौदा होगा, क्योंकि लाखों के ट्रैक्टर होते हैं, अगर ये ही खत्म हो जाएंगे तो फिर किसान कुछ नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट हमने तुरंत किया था। ये किया था हमने 6 महीने का, जब मुझे ट्रैक्टर बनाने में वक्त लगा था ये ड्राइवलेस करने में, तभी उसी 6 महीने में हमने इसको चेक किया था। एक्चुअली क्या होता है, इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। जो एक्यूरेसी कहते हैं हम काम में एक्यूरेसी, तो वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंसान कभी कभी गलतियां कर लेता है लेकिन मशीन गलतियां नहीं करती, क्योंकि ये कहा होता है मशीन बहुत कम गलती करती है। मशीन वही काम करती है जिसे हम उसे जितना कमांड देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा है कि जब भी हम एक्सीलेटर देते हैं ट्रैक्टर में, यानी कि उसको भगाने के लिए दौड़ाने के लिए जब भी पैर को मूव करते हैं, एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, तो ट्रैक्टर भागने लगता है दौड़ने लगता है, लेकिन वो कितनी एक्यूरेसी से, क्योंकि खेत में चलते हैं खड्डे भी आते हैं तो पैर कम ज्यादा अप एंड डाउन होता रहता है, एक्सीलेटर हल्का कम ज्यादा होता रहता है, तो ये होता है ड्राइवर के साथ। लेकिन उसमें रिमोट में होता क्या है, वो टेक्नोलॉजी है मशीन है, उसमें एक बार सेट करने के बाद जैसे कि 1500 RPM सेट किया तो कितना भी खड्डा है या गड्ढा है या कितना भी अच्छे से ट्रैक्टर रन करे वो 1500 RPM पे चलेगा, उसको एक एक्यूरेसी मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, एक तो फ्यूल कंजप्शन जो उसका ट्रैक्टर का माइलेज है वो बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि ट्रैक्टर एक ही लय में एक वे में चलता रहता है, तो उससे क्या है ना ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो उससे ट्रैक्टर पे लोड आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। अब रही दूसरी बात की ट्रैक्टर चलाने में ट्रेंड, जिसे बोलते हैं एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि पीछे इम्प्लीमेंट चल रहे हैं तो ड्राइवर को ये पता होना चाहिए कि कितना लोड ट्रैक्टर पे आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से उसे एक्सीलेटर देना है और इम्प्लीमेंट चलाना है, तो ये एक्सपर्ट ड्राइवर थोड़ा होना जरूरी है, तब जाके आपकी ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ सकती है। लेकिन मेरे कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास ऐसे ड्राइवर है जिनको पता ही नहीं कि पीछे इम्प्लीमेंट पे कितना लोड आ रहा है, तो वो क्या है ना कुछ भी कितना भी एक्सीलेटर देके उसको भगाने की करते हैं, तो इससे क्या है ना ट्रैक्टर लाइफ घट जाती है।
अब इसकी जगह हमने रख के देखा कि ड्राइवलेस टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो ड्राइवलेस टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि पीछे कितना इम्प्लीमेंट पे लोड आ रहा है, मशीन उस डाटा को अपने स्टोरेज करती है, उसके हिसाब से ट्रैक्टर पे एक्सीलेटर देती है। यदि ट्रैक्टर पे इम्प्लीमेंट से ज्यादा लोड आ रहा है, जिससे ट्रैक्टर लाइफ कम होने का खतरा होता है, तो इम्प्लीमेंट पे ट्रैक्टर की जो वो मशीन लगी हुई है, किट लगा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट पे बहुत कम लोड कर देता है, जिससे होता क्या है, ट्रैक्टर एकदम फ्री होके चलता है। तो इससे क्या है ना, ट्रैक्टर की लाइफ फिर बढ़ जाती है। तो इस वजह से हमने देखा है कि ट्रैक्टर की लाइफ जो एक ड्राइवर चलाता है उससे 3 से 4 साल ज्यादा ही चलता है, तो ऐसे ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ जाती है। जी योगेश जी, अगर आपसे पूछा जाए कि अब आपका एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस किट को लेके? क्या है ना, मेरी फ्यूचर प्लानिंग है कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले या फिर गवर्नमेंट से कुछ ऐसी सब्सिडी वगैरह मेरे किसान भाइयों को मिले, जिससे ये किट को खरीदने में, परचेज करने में इजी रहे, आसान रहे। मेरा प्लान है कि जो मैंने ये किट बनाया है, ये मेरे तक ही सीमित न रहे, मेरे या मेरे गांव तक ही सीमित न रहे, ये पूरे देश या पूरे विश्व के किसानों को मिलना चाहिए। तो ऐसी मेरी सोच है और मैं इस पे प्रयास भी कर रहा हूँ निरंतर। जी योगेश जी, आपने जो जानकारी हमारे साथ साझा की है, शेयर की है, काफी अच्छी जानकारी है। और जिस तरीके से आपने इनोवेशन की है, वो भी एक ऐसी फील्ड में जो कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा एक ऐसा देश है जहाँ पे ट्रैक्टर सबसे ज्यादा चलते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो ट्रैक्टर है, क्योंकि किसान की जनसंख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। तो आपने एक ऐसी फील्ड में एक ऐसा बड़ा इनोवेशन कर दिखाया है कि आपने अपना ही नहीं, अपने साथ साथ हमारा और देश का नाम रोशन किया है। तो योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जी जुड़ने के बहुत लिए। बहुत जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार।